हेलो डियर एक्वेरियंस, वेलकम टू योर मार्च प्रेडिक्शंस। चलिए देखते हैं कि मार्च आपके लिए किस तरह की एनर्जी लेके आ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद योर थीम, फ्रॉग स्पिरिट, क्लियर द क्लटर। तो कुछ तो बहुत सारा क्लटर है जो कि आपको जरूरत नहीं है, एंड शायद आप उसके घिरे हुए हैं और उसमें इन्वॉल्व भी हो सकते हैं, या फिर उसके बारे में आप सोच भी रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो जरूरत क्या है कि हमें जो ये क्लटर है, अनवांटेड थिंग है, अनवांटेड थॉट्स है, अनवांटेड एक्टिविटीज है, और ये सारी चीजों को हमें बाहर हटाना होगा, ठीक है? तो ये आपका थीम है। चलिए आपके देखते हैं कि क्या है। स्ट्रेस भी है आपको, तो शायद आप कुछ इस तरह की चीज में फंसे हुए हैं जो कि आपको इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट, और आप उसके कारण स्ट्रेस में भी हो, ठीक है? तो यहाँ पे स्ट्रेस भी दिख रहा है हमें, बिकॉज ऑफ दी अनवॉन्टेड थिंग्स यू आर पेइंग अटेंशन टू। तो वो आप चीज ध्यान रखना, और बट चिंता मत करिए, द सिचुएशंस विल इम्प्रूव। तो कोई भी इस तरह का स्ट्रेस है तो आप ध्यान रखो कि सिचुएशन आपका इम्प्रूव करेगा। और ये भी ध्यान रखिए कि कोई भी चीज जो आपको खुद लग रही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और मैं इसमें झूठ मूठ का ही फंसता जा रहा हूँ, इस पे ध्यान दे रहा हूं, तो आप उसको थोड़ा हटा दीजिए, उसको अपने फोकस एरिया से। आपका जो ब्लेसिंग्स आ रहा है, चलिए हम देखते हैं क्या है ब्लेसिंग्स। सन का कार्ड है, दिस इज ब्यूटिफुल। सन का कार्ड का मतलब ही होता है हैप्पीनेस, सन इज शाइनिंग इन योर लाइफ, सक्सेस है। जब सन शाइन करता है तो हर चीज ग्रो करती है, तो आपका भी करियर ग्रो करेगा, लाइफ ग्रो करेगा, रिलेशनशिप ग्रो करेगा, ब्यूटिफुल सनलाइट में, विच इज ब्यूटिफुल अगेन। आइए अब आपका टैरो गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, यानी कि एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके कार्ड में, ठीक है? क्यों, और चलिए स्टार्ट करते हैं आपके एनर्जी से। करियर एनर्जी क्या है? टू ऑफ पेंटिकल्स यानी कि बहुत सारा काम है, देयर इज सो मच ऑफ थिंग्स टू डू फॉर यू इन योर करियर। बहुत ही हेक्टिक है, मे बी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, बहुत सारा काम करना पड़ता है आपको, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपको, या फिर आपने एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ले लिया है, तो उसको आप मैनेज तो अच्छे से कर पा रहे हो। यू आर रियली गुड एंड स्मार्ट एंड फ्लेक्सिबल टू मैनेज एवरीथिंग, बट यस, इट इज टेकिंग अ टोल ऑन यू, ठीक है? क्योंकि ज्यादा काम है, बहुत सारा काम पे आप ध्यान दे रहे हो, क्लटर भी है, तो थोड़ा सा प्रेशर तो बनेगा ही, स्ट्रेस तो आएगा ही, ठीक है? बट आप यू आर डूइंग अ एक्सेलेंट जॉब ऑफ मैनेजिंग योर वर्क वेल, बट यस, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग बेटर। यू वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन जहां पे यू नो यू आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, मैनेजिंग एवरीथिंग, यू डोंट हैव एनी टाइम फॉर योर सेल्फ, और मनी भी कंसर्न है, मतलब इतना मेहनत कर रहे हो तो शायद आप ज्यादा मनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उस तरह से आप बोल सकते हैं कि आप सिचुएशन में हैप्पी नहीं है, एंड यू आर लुकिंग फॉर ग्रीनर पास्चर्स, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है? यू आर रियली आइंग अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक जॉब में, करियर में, बिजनेस में, आप एक नई अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हो, आप चाहते हो, एंड यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मेकिंग सम प्लान्स एंड मूविंग अहेड फ्रॉम दिस प्लेस जहाँ पे आप अभी हो, वहां से आप आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि बहुत हो गया, यू नो, अब बहुत आप इस सिचुएशन में काम कर लिया, मेहनत कर लिया, काफी दूर आ चुके हैं, यहाँ पे एक पड़ाव पे रेस्ट भी कर लिया है, काफी मेहनत कर लिया है, अब यहाँ से आगे बढ़ने का टाइम आ गया है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन आपको एक ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है। मतलब कैसे ब्रेक थ्रू करें, वहां पे आपकी गाड़ी अटकी पड़ी है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो आइडियाज तो है आपके पास, ब्लिट्जक्रिग आइडिया भी है, न्यू अपॉर्चुनिटी आप खोज रहे हैं, और आप एक ब्रेक थ्रू चाह रहे हैं, आप जिस भी चीज के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है कि रिलेशनशिप फ्रंट में, फैमिली फ्रंट में भी आप एक ब्रेक थ्रू चाह रहे हैं, एक बैलेंस चाह रहे हैं, पर एक सोल्यूशन बनता सा दिख रहा है, पर शायद सोल्यूशन हो नहीं रहा है, इस तरह का चीज है। तो सोल्यूशन तो आपके सामने में है, और जैसा कि बोला भी गया है, आपका गाइडेंस भी है कि सिचुएशन इंप्रूव करेगा, स्ट्रेस कम होगा, सनशाइन करेगा। तो अगर आप अपने लाइफ से थोड़ा सा क्लटर हटा के उस चीज पे फोकस कर पाए जो कि आपके इंपॉर्टेंस की चीज है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आइडिया है, एक ब्रेक थ्रू आइडिया है, एक न्यू आइडिया है आपके लिए। वो आपके एक स्टक सिचुएशन है ना, जिसमें आप बहुत सारे काम को जगल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसके लिए एक सोल्यूशन लेके आएगा, ठीक है? रिलेशनशिप के फ्रंट में आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग गुड। एक
एक अच्छा गिव एंड टेक है, हर चीज ठीक ठीक चल रहा है आप बोल सकते हैं, और यू आर टेकिंग केयर ऑफ पीपल इज व्हाट आई एम गेटिंग। मुझे लग रहा है कि आप लोगों का ध्यान दे रहे हो और आप केयर कर रहे हैं अपने लोगों का। ऐसा लग रहा है कि पीपल आर लुकिंग अप टू यू फॉर हेल्प, और आप शायद उनको हेल्प भी कर रहे हो, फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं आप, या फिर आप घर में जाके कुछ हेल्प कर रहे हो, ऐसा लगता है। कुछ सिचुएशन जैसे इम्प्रूवमेंट का आया ना, कि सिचुएशन आपका इम्प्रूव होने वाला है, तो मुझे लगता है कि आप किसी सिचुएशन में हेल्प कर रहे हो, सिचुएशन को संभालने में या हेल्प करने में, ये भी ऐसा लगता है। तो कुल मिला के आपका सनशाइन करने वाला है एक्वेरियस, आपके करियर में, आपके लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस है, उस पर थोड़ा कंट्रोल रखिए। अगर क्लटर जो आप हटा देंगे और प्रॉपर चीज पे फोकस करेंगे, तो आपको एक ब्रेक थ्रू आइडिया जरूर मार्च में मिल जाने वाला है, ठीक है? सो दैट इज ऑल द गाइडेंस फॉर ऑल द एक्वेरियस एंड सन मून एंड राइजिंग गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टू लेट मी नो इफ इट रेजोनेट्स एंड आई विल सी यू अगेन। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।